संसद में कोरोना का मुद्दा उठाया गया है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है, जहां पर संसद की कार्यवाही में कोरोना के मुद्दे को उठाया गया है। और ये तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कैसे सदन के अंदर भी लोकसभा के जो स्पीकर ओम बिरला है, उन्होंने भी मास्क पहना हुआ है। बताया जा रहा है कोरोना को लेकर अब सरकार और सख्त नियम जो है वो अपना सकती है। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, सदन के अंदर की तस्वीर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जिन्होंने मास्क पहना हुआ था, इसके अलावा जितने भी सांसद सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए पहुंचे थे वे भी मास्क पहनकर ही पहुंचे थे। यानी कि कोरोना के नियमों को लेकर सरकार और तमाम माननीयों की ओर से पहल कर दी गई है, और अब इसके बाद इसके इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी आम जनता की हो जाती है। दोनों तस्वीर आप देखिए, राज्यसभा की तस्वीर देखिए, जगदीप धनखड़ वहां पर आपको दिख रहे होंगे, उपराष्ट्रपति जिन्होंने मास्क पहना हुआ है। आप देखिए सदन की कार्यवाही चल रही है, उस दौरान भी तमाम सांसदों ने वो मास्क चेहरे पर पहना है। हालांकि जो बोल रहे हैं, जो स्पीकर हैं, उन्होंने उस वक्त बोलते वक्त मास्क नहीं पहना, लेकिन इसके अलावा तमाम जो दूसरे सांसद हैं जो सुन रहे हैं, उन्होंने मास्क पहना। ये कोरोना के नियमों को पालन करने की एक अच्छी और बड़ी तस्वीर आप देख सकते हैं। सदन की कार्यवाही से ये तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। पहली तस्वीर लोकसभा की है, जहां पर ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने मास्क पहनकर एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। और अब ये कहीं ना कहीं आम जनता को भी मानना होगा, जब वो बाहर निकले घरों से तो मुंह पर मास्क हो, चेहरे पर मास्क हो, अपना योगदान दें। मेरा विश्वास है जैसे हमारे देश ने पहले भी सामूहिक प्रयासों से कोविड 19 पर विजय प्राप्त की थी, हम आगे भी उसी प्रकार से इस महामारी को रोकने में सफलता प्राप्त करेंगे। सभी माननीय सदस्यों के लिए गेट पर मास्क उपलब्ध करा दिए गए हैं। प्रश्न का